हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक ऑटोमोबाइल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रिवोल्ट आरवी 400 को आप घर पे कैसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे चार्जर होता है वो अलग है, उसका जो प्लग है वो 15 वॉट एम्पियर का है जो कि एसी में यूज होता है। तो नॉर्मली जो आप मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो वो अलग प्लग होता है, तो यहाँ पे 15 वॉट का प्लग आता है। तो आपको इसके लिए कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदना पड़ेगा। उसको बोलना है कि आपके पास 15 वॉट वाला चार्जर है तो उसको कन्वर्टर दो। तो देख सकते हो ये दोस्तों मैंने खरीदा है ऑरेंज कलर का कन्वर्टर जो कि 50 रुपये में मुझे मिल गया है। तो ये हमारा बैटरी है जिसको मैंने प्लग डाल के चार्जिंग कर रहा हूँ मैं, और बीच में हमारा चार्जर है और आगे एक कॉर्ड दिया है। तो चार्जर के अंदर ये कॉर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद जो चार्जर का आगे का पार्ट है जो बैटरी में डालना होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 घंटे ले लेता है, बिकॉज मोस्टली लोग 10-15-20% पे लगाते रहेंगे तो 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। जैसे आप चार्जिंग को ऑन करते हो यहाँ पे जो LED है रेड कलर की वो ग्रीन हो जाती है, फिर ब्लिंक होती है, फिर रेड हो जाती है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि चार्जिंग हो रहा है, और जैसे चार्जिंग फुल हो जाएगा पंखे का आवाज़ बंद हो जाएगा और साथ ही साथ वो ग्रीन हो जाएगा LED, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फुल चार्ज हो चुका है। तो यही था दोस्तों, आपको बैटरी आपका निकालना होता है बाइक से जो कि इजीली आप निकाल लोगे। थोड़ा हैवी है बैटरी का, ऑलमोस्ट 20 किलो का बैटरी है जिसको आपको घर पे लेके जाना होता है। उसके बाद ये देख सकते हो मैं अडेप्टर आपको दिखा रहा हूँ। ये कन्वर्टर आपको ऑनलाइन वगैरह पे भी मिल जाएगा लेकिन वो कॉस्टली आता है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी निकाल के दिखा देता हूँ, यही कन्वर्टर है जो 15 वॉट एम्पेयर वाले अडेप्टर को कन्वर्ट कर रहा है नॉर्मल जो हमारे घर पे लग जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये पूरा चार्जिंग का प्रोसेस था रिवोल्ट आरवी 400 का। तो मैं भी पहले सोच रहा था कि डायरेक्टली जो हमारा नॉर्मल सॉकेट होता है उसमें लग जाएगा, लेकिन नहीं लगता है गाइस, ये एसी वाला है जो लगेगा नहीं, इसके लिए आपको ये खरीदना पड़ेगा। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप अपने रिवोल्ट आरवी 400 आरवी 300 को घर पर चार्ज कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे रिवोल्ट आरवी 400 को घर पे चार्ज करने का क्या तरीका है। देख सकते हो मैं ये ऑन कर रहा हूँ तो ग्रीन ब्लिंक हो रहा है, उसके बाद रेड हो जाएगा, और जब फुल हो जाएगा तो वो ग्रीन हो जाएगा और फंकी का आवाज बंद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी रिवोल्ट के वीडियोस देखने मिलेंगे।